द्वितीय अध्याय प्रथम वल्ली तृतीय वल्ली में ये बताया गया है कि वे परब्रह्म परमेश्वर संपूर्ण प्राणियों में वर्तमान है, परंतु सबको देखते नहीं कोई भी सबको दिखते नहीं कोई बिरला ही उन्हें सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा देख सकता है। इस पर यह प्रश्न होता है कि जब वे ब्रह्म अपने ही हृदय में हैं, तब उन्हें सभी लोग अपनी बुद्धि रूप नेत्रों द्वारा क्यों नहीं देख लेते, कोई बिरला ही क्यों देखता है। इस पर कहते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध इंद्रियों के ये सभी स्थूल विषय बाहर है। इसका यथार्थ ज्ञान कराने के लिए इंद्रियों की रचना हुई है, क्योंकि इसका ज्ञान हुए बिना न तो मनुष्य किसी विषय के स्वरूप और गुण को ही जान सकता है, और न उसका यथायोग्य त्याग एवं ग्रहण करके भगवान के इंद्रिय निर्माण के उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए उसके द्वारा नवीन शुभ कर्मों का संपादन ही कर सकता है। इंद्रिय निर्माण इसलिए है कि मनुष्य इंद्रियों के द्वारा स्वास्थ्य कर बुद्धि सुबुद्धिदायक विशुद्ध विषयों का ग्रहण करके सुखमय जीवन बिताते हुए परमात्मा की ओर अग्रसर हो। इसलिए स्वयंभू भगवान ने इंद्रियों का मुख बाहर की ओर बनाया, परंतु विवेक के अभाव से अधिकांश मनुष्य इस बात को नहीं जानते और विषयासक्तवश उन्नत की भांति आपात रमणीय परिणाम में भगवान से हटकर दुख शोक मई नरकों में पहुंचने वाले अशुद्ध विषय भोगों में ही रचे बचे रहते हैं। वे अंतर्यामी भगवान परमात्मा की ओर देखते ही नहीं, कोई विरला ही बुद्धिमान मनुष्य ऐसा होता है जो सत्संग स्वाध्याय तथा भगवान भगवत कृपा से अशुद्ध विषय भोगों की परिणाम दुखता को जानकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा से इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर उन्हें भगवत संबंधी विषयों में लगाकर अंतरात्मा को अंतर्यामी परमात्मा को देखता है, जो बाह्य विषयों की चमक दमक और आपात रमणीयता को देखकर उनमें आसक्त हुए रहते हैं और उनके पाने तथा भोगने में ही दुर्लभ एवं अमूल्य मनुष्य जीवन को खो देते हैं, वे मूर्ख हैं। निश्चय ही वे सर्वकालव्यापी मृत्यु के पास में बंध जाते हैं। दीर्घकाल तक नाना प्रकार की योनियों में जन्म धारण करके बार बार जन्मते मरते रहते हैं, परंतु जो बुद्धिमान है वे इस विषय पर गहराई से यूं विचार करते हैं कि ये इंद्रियों के भोग तो जीवों को दूसरी योनियों में भी पर्याप्त मिल सकते हैं। मनुष्य शरीर उन सब से विलक्षण है, इसका वास्तविक उपदेश विषय भोग कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करने पर जब ये बात उनकी समझ में आ जाती है कि इसका उपदेश अमृत स्वरूप नित्य परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करना ही और इसी शरीर में प्राप्त किया जा सकता है, तब वे सर्वोत्तम भाव से उसी की ओर लग जाते हैं। फिर वे इस विनाशशील जगत में क्षणभंगुर भोगों को प्राप्त करने की इच्छा नहीं करते, इनसे सर्वथा विरक्त होकर सावधानी के साथ परमार्थ साधन में लग जाते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस और गंधात्मक सब प्रकार के विषयों का और स्त्री सहवास आदि से होने वाले सुखों का मनुष्य जिस परम देव से मिली हुई ज्ञान शक्ति के द्वारा अनुभव करता है, उन्हीं की दी हुई शक्ति से इनकी क्षण भंगुरता को देखकर वह ये भी समझ सकता है कि इन सब में से कौन ऐसी वस्तु है जो यहाँ शेष रहेगी। विचार करने पर यही समझ में आता है कि ये सभी पदार्थ प्रतिक्षण बदलने वाले होने से विनाशशील है। इन सब के परम कारण एकमात्र परब्रह्म परमेश्वर ही नित्य है। वे पहले भी थे और पीछे भी रहेंगे। अतः हे नचिकेता, तुम्हारा पूछा हुआ वह ब्रह्म तत्व यही है जो सबका शेषी है, सबका परिवासन है, सबकी अवधि और सबकी परम गति है। जिस परमात्मा के सहयोग से ये जीवात्मा स्वप्न में और जगत में होने वाली समस्त घटनाओं का वारंवार अनुभव करता रहता है, इन सबको जानने की शक्ति जिसको इसको जिस परब्रह्म परमेश्वर से मिली है, जिसकी कृपा से इस जीव को उस परमात्मा की विज्ञान शक्ति का एक अंश प्राप्त हुआ है, उस सब की अपेक्षा महान सदा सर्वदा सर्वत्र व्यापक परब्रह्म परमात्मा को जानकर धीर पुरुष कभी किसी भी कारण से किंचित मात्र भी शोक नहीं करता। जो साधक सबको जीव प्रदान करने वाले जीवों के परम जीवन और उन्हें उसके कर्मों का फल भुगताने वाले तथा भूत वर्तमान और भावी जगत का
एकमात्र शासन करने वाले उन परब्रह्म परमेश्वर को इस प्रकार समझ लेता है, वह अंतर्यामी रूप से निरंतर मेरे समीप मेरे हृदय में ही स्थित है, और उससे स्वाभाविक ही ये अनुमान कर लेता है कि इस प्रकार वे सर्वनियंता परमात्मा सबके हृदय में स्थित है। वह फिर उसके इस महिमामयी स्वरूप को कभी नहीं भूल सकता, इसलिए ये कभी किसी की निंदा नहीं करता, किसी से भी घृणा या द्वेष नहीं करता। नचिकेता, तुमने जिस ब्रह्म के विषय में पूछा था वह यह है जिसका मैंने ऊपर वर्णन किया है। संबंध अब ये बताते हैं कि ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत समस्त प्राणी उन परब्रह्म परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, अतः जो कुछ भी है सब उन्हीं का रूप विशेष है, उससे भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस संपूर्ण जगत के अभिन्न अभिनिमित्तोपादन कारण एकमात्र परमेश्वर ही है। वे एक ही अनेक रूपों में स्थित है। जो जल से उपलक्षित पांचों महाभूतों से पहले हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए थे, उन अपने ही संकल्प रूप तप से प्रकट होने वाले और सब जीवों के हृदय रूप गुफा में प्रविष्ट होकर उसके साथ रहने वाले परमेश्वर को जो इस प्रकार जानता है, सबके हृदय में निवास करने वाले सबके अंतर्यामी परमेश्वर एक ही है। ये संपूर्ण जगत उन्हीं की महिमा का प्रकाश करता है, ये वही यथार्थ जानता है, वे सदा सबके हृदय में रहने वाले ही ये तुम्हारे पूछे हुए परब्रह्म परमेश्वर हैं। संबंध उन्हीं परमात्मा का अब अदिति द्रुप देवी के रूप से वर्णन करते हैं। जो सर्व देवतामयी भगवती अदिति देवी पहले पहल उस परम ब्रह्म के संकल्प से सब जीवन की जीवनी शक्ति के सहित उत्पन्न होती है, तथा जो संपूर्ण प्राणियों को बीज रूप से अपने साथ लेकर प्रकट हुई थी, हृदय रूपी गुफा में प्रविष्ट होकर वहीं रहने वाली वह भगवती भगवान की अचिंत्य महाशक्ति भगवान से सर्वथा अभिन्न है। भगवान और उनकी शक्ति में कोई भेद नहीं है, भगवान ही शक्ति रूप से सबके हृदय में प्रविष्ट किए हुए हैं। हे नचिकेता, वे ही ये ब्रह्म है जिनके विषय में तुमने पूछा था, अथवा जननी रूप में समस्त देवताओं का सृजन करने वाले होने के कारण जो सर्वदेवतामयी है, शब्दादि समस्त भूत भोग समूह का आदन भक्षण करने वाली होने से भी जिनका नाम अदिति है, जो हिरण्य गर्भ रूप प्राणों के सहित प्रकट होती है और समस्त भूत प्राणियों के साथ ही जिनका प्रादुर्भाव होता है, तथा जो संपूर्ण भूत प्राणियों की हृदय गुफा में प्रविष्ट होकर वहां स्थित रहती है, वे परमेश्वर की महाशक्ति वस्तुतः उसका प्रतीक ही है। स्वयं परमेश्वर ही रूप में अपने को प्रकट करते हैं, यही ब्रह्म है जिनके संबंध में नचिकेता तुमसे पूछा था। जिस प्रकार गर्भिणी स्त्री के द्वारा धारण किया हुआ शुद्ध अन्न पान आदि से परिपुष्ट बालक गर्भ में छिपा रहता है, उसी प्रकार जो सर्वज्ञ अग्निदेवता अधर और उत्तर अरणि मतलब ऊपर नीचे के काष्ट खंड के भीतर छिपे हुए हैं, तथा अग्नि विद्या के जानने वाले प्रयत्नशील सावधान श्रद्धालु सब प्रकार की आवश्यक सामग्रियों से संपन्न मनुष्यगण प्रतिदिन जिनकी स्तुति और आदर किया करते हुए अग्निदेवता सर्वज्ञ परमेश्वर के ही प्रतीक है। नचिकेता, यही वे तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म है जिन परमेश्वर से सूर्यदेव प्रकट होते हैं और जिनमें जाकर विलीन हो जाते हैं, जिनकी महिमा में ही यह सूर्य देवता की उदय अस्त लीला नियम पूर्वक चलती है। उन परब्रह्म में ही संपूर्ण देवता प्रविष्ट है, सब उन्हीं में ठहरे हुए हैं, ऐसा कोई भी नहीं है जो उन सर्वात्मक सर्वमयी सबके आदि अंत आश्रय स्थल परमेश्वर की महिमा और व्याख्या का उल्लंघन कर सके। सर्वतोभाव से सभी सदा उसके अधीन और उन्हीं के अनुशासन में रहते हैं, कोई भी उनकी महिमा का पार नहीं पा सकता। वे सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम ही तुम्हारे पूछे हुए ब्रह्म है, जो सर्वशक्तिमान सर्वंतर्यामी सर्वरूप सबके परम कारण परब्रह्म पुरुषोत्तम यहाँ इस पृथ्वी लोक में है, वही वहाँ परलोक में यथार्थ देव गंधर्वादि विभिन्न अनंत लोक में भी है, तथा जो वहाँ है वही यहाँ भी है। ये एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो इस एक ही परब्रह्म को लीला से नाना नामों
और रूपों में प्रकाशित देखकर मोहवश उसमें नानात्व की कल्पना करता है, उन्हें पुनः पुनः मृत्यु के अधीन होना पड़ता है, उसके जन्म मरण का चक्र सहज ही नहीं छूटता। अतः दृढ़ता पूर्वक यही समझना चाहिए कि वे एक ही ब्रह्म परमेश्वर अपनी अचिंत्य शक्ति के सहित नाना रूपों में प्रकट है, और ये सारा जगत बाहर भीतर उन एक परमात्मा से ही व्याप्त होने के कारण उन्हीं का स्वरूप है। परमात्मा का परम तत्व शुद्ध मन से ही इस प्रकार जाना जा सकता है कि इस जगत में एकमात्र परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है, सब कुछ उन्हीं का स्वरूप है, वो यहाँ परमात्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। जो यहाँ विभिन्नता की झलक देखता है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, यथार्थ बार बार जनता मरता रहता है। यद्यपि अंतर्यामी परमेश्वर जो कि भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाले सभी प्राणियों के शासक है, समान भाव से सर्वदा सर्वत्र परिपूर्ण है, तथापि हृदय में उसका विशेष स्थान माना गया है। परमेश्वर किसी स्थूल सूक्ष्म आकार विशेष वाले नहीं है, परंतु स्थिति के अनुसार वे सभी आकारों से संपन्न है। शूद्र चींटी के हृदय देश में वे चींटी के हृदय परिमाण के अनुसार परिमाण वाले हैं, और विशाल का हाथी के हृदय में उसके हृदय परिमाण वाले बनकर विराजित है। मनुष्य का हृदय अंगुष्ट परिमाण का है, और मनुष्य ही परमात्मा की प्राप्ति का अधिकारी माना गया है। अतः मनुष्य का हृदय ही परब्रह्म परमेश्वर की उपलब्धि का स्थान समझा जाता है, इसलिए यह मनुष्य के हृदय परिमाण के अनुसार परमेश्वर को अंगुष्ट मात्र परिणाम का परिमाण का बताया कहा गया है। इस प्रकार परमेश्वर को अपने हृदय में स्थित रह देखने वाला स्वाभाविक ही यह जानता है कि इसी भांति वे सबके हृदय में स्थित है, अतः एवं फिर किसी की निंदा नहीं करता एवं न किसी से घृणा या द्वेषी करता है। नचिकेता, यही यह वह ब्रह्म है जिसके विषय में तुमने पूछा था। मनुष्य की हृदय गुफा में स्थित ये अंगुष्ठ मात्र पुरुष भूत भविष्य वर्तमान का नियंत्रण करने वाले स्वतंत्र शासक है। ये ज्योतिर्मय है, सूर्य अग्नि की भांति उष्ण प्रकाश वाले नहीं, परंतु दिव्य निर्मल और शांत प्रकाश स्वरूप है। लौकिक ज्योतियों में द्रुम्र रूप दोष होता है, ये द्रुम्र रहित दोष रहित सर्वज्ञ विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है। अन्य ज्योतियाँ घटती बढ़ती है और समय पर बुझ जाती है, परंतु ये ऐसी आज है वैसी ही कल भी है। इनकी एक रस्ता नित्य अक्षुण है, ये कभी न तो घटते बढ़ते हैं और न कभी मिटती ही है। नचिकेता, ये परिवर्तन रहित अविनाशी परमेश्वर ही वे ब्रह्म है जिनके संबंध में तुमने पूछा था। वर्षा का जल एक ही है, वह जब ऊंचे पर्वत की उबड़ खाबड़ चोटी पर बरसता है तो वह ठहरता नहीं, परंतु ही तुरंत ही नीचे की ओर बढ़ता बढ़कर विभिन्न वर्ण आकार और गंध को धारण करके पर्वत में चारों ओर बिखर जाता है। इसी प्रकार एक ही परमात्मा से उत्पन्न हुए विभिन्न स्वभाव वाले देव असुर मनुष्यों को जो परमात्मा से पृथक मानता है और पृथक मानकर ही उसकी पूजा उपासना आदि करता है, उसी से भी बिखरे हुए जल की भांति ही विभिन्न देव असुरों के लोकों में एवं नाना प्रकार की योनियों में भटकना पड़ता है, वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु वही वर्षा का निर्मल जल यदि निर्मल जल में ही बरसता है तो वह उसी क्षण निर्मल जल ही हो जाता है। उनमें न तो कोई विकार उत्पन्न होता है और न वह कहीं बिखरता ही है। इस प्रकार जो गौतम वंशीय नचिकेता, हे गौतम वंशीय नचिकेता, जो इस बात को भलीभांति जान गया है कि जो कुछ है वह सब परब्रह्म पुरुषोत्तम ही है, उस मननशील संसार के बाहरी स्वरूप से उपरत पुरुष का आत्मा ब्रह्म में मिलकर उसके साथ तादाम्य भाव को प्राप्त हो जाता है। प्रथम वल्ली समाप्त। द्वितीय वल्ली, वह मनुष्य शरीर रूपी पूर दो आंख दो कान दो नासिका के छिद्र एक मुख ब्रह्मरंध्र नाभि गुदा और सिग्न इन 11 द्वारों वाला है। वह सर्वव्यापी अविनाशी अजन्मा नित्य निर्विकार एकरस विशुद्ध ज्ञान स्वरूप परमेश्वर की नगरी है। वे सर्वत्र संभाव से सदा से परिपूर्ण रहते हुए भी अपनी राजधानी रूप इस मनुष्य शरीर के हृदय प्रमाद में राजा की भांति विशेष रूप से विराजित रहते हैं।
इस रहस्य को समझकर मनुष्य शरीर के रहते हुए ही जीते जी जो मनुष्य भजन स्मरण आदि साधन करता है, नगर के महान स्वामी परमेश्वर का निरंतर चिंतन और ध्यान करता है, वह कभी शोक नहीं करता। वह शोक के कारण रूप संसार बंधन से छूटकर जीवन मुक्त हो जाता है और शरीर छूटने के पश्चात विदेह मुक्त हो जाता है। परमात्मा का साक्षात्कार करके जन्म मृत्यु के चक्र से सदा के लिए छूट जाता है। वह जो सर्वव्यापक ब्रह्म है, वही वह है जिसके संबंध में तुमने पूछा था। संबंध अब उस परमेश्वर की सर्व रूपता का स्पष्टीकरण करते हैं, जो प्राकृतिक गुणों से सर्वथा अतीत दिव्य विशुद्ध परम धाम में विराजित स्वयं प्रकाश परब्रह्म पुरुषोत्तम है। वे ही अंतरिक्ष में विचरने वाले वसु नामक देवता है। वही अतिथि के रूप में गृहस्थ के घरों में उपस्थित होते हैं। वे ही यज्ञ की वेदी पर प्रतिष्ठित ज्योतिर्मय अग्नि तथा उसमें आहुति प्रदान करने वाले होता है। वे ही समस्त मनुष्यों के रूप में स्थित है। मनुष्यों की अपेक्षा श्रेष्ठ देवता और पितृ आदि रूप में स्थित, आकाश में स्थित और सत्य में प्रतिष्ठित है। वे ही जलों में मत्स्य शंख शुक्ति आदि के रूप में प्रकट होते हैं। पृथ्वी में वृक्ष अंकुर अन्न औषधि आदि के रूप में यज्ञादि सत्कर्मों में नाना प्रकार के यज्ञ फलादि के रूपों में और पर्वतों में नद नदी आदि के रूप में प्रकट होते हैं। वे सभी दृष्टियों से सभी की अपेक्षा श्रेष्ठ महान और परम सत्य तत्व है। शरीर में नियम रूप से अनवरत प्राण अपानादि की क्रिया हो रही है। इन जड़ पदार्थों में जो क्रियाशीलता आ रही है, वह उन परमात्मा की शक्ति और प्रेरणा से ही आ रही है। वे ही मानव हृदय में राजा की भांति विराजित रहकर प्राणों को ऊपर की ओर चढ़ा रहा है और अपान को नीचे की ओर ढकेल रहे हैं। इस प्रकार वे शरीर के अंदर होने वाले सारे व्यापारों का सुचारू रूप से संपादन कर रहे हैं। उन हृदय स्थित परम भजनीय परम परब्रह्म पुरुषोत्तम की सभी देवता उपासना कर रहे हैं। शरीर स्थित प्राण मन बुद्धि इंद्रियादि के सभी अधिष्ठात्र देवता उन परमेश्वर की प्रसन्नता के लिए उन्हीं की प्रेरणा के अनुसार नित्य सावधानी के साथ समस्त कार्यों का यथाविधि संपादन करते रहते हैं। ये एक शरीर से दूसरे शरीर में गमन करने के स्वभाव वाला देही जीवात्मा जब इस वर्तमान शरीर से निकलकर चला जाता है और उसके साथ ही जब इंद्रिय प्राण आदि भी चले जाते हैं, तब इस मृत शरीर में क्या बच रहता है? देखने में जो कुछ भी नहीं रहता वह परब्रह्म परमेश्वर जो सदा सर्वदा समान भाव से सर्वत्र परिपूर्ण है, जो चेतन जीव तथा जड़ प्रकृति सभी में सदा व्याप्त है, वह रह जाता है। वही वह ब्रह्म है जिसके संबंध में तुमने पूछा था। संबंध अब निमांतिक दो मंत्रों में यमराज नचिकेता के पूछे हुए तत्व को पुनः दूसरे प्रकार से वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। ये यमराज कहते हैं, नचिकेता एक दिन निश्चय ही मृत्यु के मुख में जाने वाले ये मनुष्यादि प्राणी न तो प्राण की शक्ति से जीवित रहते हैं और न अपान की शक्ति से ही। इन्हें जीवन रहने वाला तो कोई दूसरा ही चेतन तत्व है और वह है जीवात्मा। ये प्राण अपान दोनों उस जीवात्मा के ही आश्रित है। जीवात्मा के बिना एक क्षण भी ये नहीं रह सकते। जब जीवात्मा जाता है तब केवल ये नहीं, इनके साथ ही इंद्रियादि सभी उसका अनुसरण करते हुए चले जाते हैं। अब मैं तुमको ये बताऊंगा कि मनुष्य के मरने के बाद इस जीवात्मा का क्या होता है, ये कहाँ जाता है तथा किस प्रकार रहता है, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि उस परम रहस्यमय सर्वव्यापी सर्वाधार सर्वाधिपति परब्रह्म परमेश्वर का क्या स्वरूप है। यमराज कहते हैं कि अपने अपने शुभाशुभ कर्मों के अनुसार और शास्त्र गुरु संग शिक्षा व्यवसाय आदि के द्वारा देखे सुने हुए भावों से निर्मित अंतकालीन वासना के अनुसार मरने के पश्चात कितने ही जीवात्मा तो दूसरा शरीर धारण करने के लिए वीर्य के साथ माता की योनि में प्रवेश कर जाते हैं। इसमें जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य का, और जिनके पुण्य कम तथा पाप अधिक होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं, और कितने ही जिनके पाप अधिक
अत्यधिक होते हैं, स्थावर भाव को प्राप्त होते हैं, यथार्थ वृक्ष लता तृण पर्वत आदि जड़ पद शरीर में उत्पन्न होते हैं। संबंध, यमराज ने जीवात्मा की गति और परमात्मा का स्वरूप इन दो बातों को बताने की प्रतिज्ञा की थी। इनमें मरने के बाद जीवात्मा की क्या गति होती है इसको बतलाकर अब वे दूसरी बात बताते हैं। जीवात्माओं के कर्मानुसार उसके लिए नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला, उसकी यथा योग्य व्यवस्था करने वाला जो ये परम पुरुष परमेश्वर समस्त जीवों की के सो जाने पर यथार्थ प्रलय काल में सबका ज्ञान लुप्त हो जाने पर भी अपनी महिमा में नित्य जागता रहता है, वो जो स्वयं स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, जिसका ज्ञान सदैव एक रस रहता है, कभी अधिक न्यून या लुप्त नहीं होता, वह परम विशुद्ध दिव्य तत्व है, वही परब्रह्म है, उसी को ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा प्राप्य परम अमृत स्वरूप परमानंद कहा जाता है। यह संपूर्ण लोक उसी के आश्रित है, उसे कोई भी नहीं लांघ सकता, कोई भी उसके नियमों का अतिक्रमण नहीं कर सकता, सभी सदा सर्वदा एकमात्र उसी के शासन में रहने वाले और उसी के अधीन है, कोई भी उसका महिमा का पार नहीं पा सकता, यही है वह ब्रह्म तत्व जिसके विषय में तुमने पूछा था। संबंध, अब अग्नि के दृष्टांत से उस पर ब्रह्म परमेश्वर की व्यापकता और निर्लुप्तता का वर्णन करते हैं। एक ही अग्नि निराकार रूप से सारे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उसी में कोई भेद नहीं है, परंतु जब वह साकार रूप से प्रज्वलित होता है तब उस आधारभूत वस्तु का जैसा आकार होता है वैसा ही आकार अग्नि का भी दृष्टिगोचर होता है। इसी प्रकार समस्त प्राणियों के अंतर्यामी परमेश्वर एक है और सब में समभाव में व्याप्त है, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है, तथापि वे भिन्न भिन्न प्राणियों के उन प्राणियों के अनुसार नाना रूपों में प्रवेश प्रकाशित होते हैं। भाव ये है कि आधारभूत वस्तु के अनुसार ही उसी की उप महिमा का प्रागट्य होता है, वास्तव में उन परमेश्वर की महत्ता इतनी ही नहीं है, इससे बहुत अधिक विलक्षण है, उनकी अनंत शक्ति के एक शुद्रतम अनसे ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड नाना प्रकार की आश्रयमय शक्तियों से संपन्न हो रहा है। संबंध, वही बात वायु के दृष्टांत से कहते हैं। एक ही वायु अव्यक्त रूप से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, तथापि व्यक्त में भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग से उन वस्तुओं के अनुसार गति और शक्ति वाला दिखाई देता है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों का अंतर्यामी परमेश्वर एक होते हुए भी उन प्राणियों के संबंध से पृथक पृथक शक्ति और गति वाला दिखाई देता है, किंतु वह उतना ही नहीं है, उन सब के बाहर भी अंतर अनंत असीम एवं विलक्षण रूप से स्थित है। नवम मंत्र की व्याख्या के अनुसार उसे भी समझ लेना चाहिए। इस मंत्र में सूर्य के दृष्टांत से परमात्मा की निर्लपता दिखाई है। एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसका प्रकाश प्राणी मात्र की आंखों का सहायक है, उस प्रकाश की सहायता लेकर नाना प्रकार के गुण दोष में कर्म करते हैं, परंतु सूर्य उसके नेत्रों द्वारा किए जाने वाले नाना प्रकार के बाह्य कर्मरूप दोषों से तनिक भी लिप्त नहीं होता। इसी प्रकार सबके अंतर्यामी भगवान परब्रह्म पुरुषोत्तम एक है, उन्हीं की शक्ति से शक्ति युक्त होकर मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा मनुष्य नाना प्रकार के शुभाशुभ कर्म करते हैं तथा उसका फलरूप सुख दुखादि भोगते हैं, परंतु वे परमेश्वर उनके कर्मों और दुखों से लिप्त नहीं होते, क्योंकि वे सब में रहते हुए भी उससे पृथक और सर्वथा असंग है। गीता अध्याय 13 व्याख्या, जो परमात्मा सदा सबके अंतर्यामी रूप से स्थित है, जो अद्वितीय और सर्वथा स्वतंत्र है, संपूर्ण जगत में देव मनुष्यादि सभी को सदा अपने वश में रखते हैं, वे ही सर्वशक्तिमान सर्वभुवन समर्थ परमेश्वर अपने एक ही रूप को अपनी लीला से बहुत प्रकार का बना लेते हैं। उन परमात्मा का जो ज्ञानी महापुरुष निरंतर अपने अपने अंदर स्थित देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थित रहने वाला सनातन परमानंद मिलता है, दूसरों को नहीं। जो समस्त नित्य चेतन आत्मा को भी नित्य चेतन आत्मा है और जो स्वयं अकेले ही अनंत जीवों के भोगों का उन उनके कर्मानुसार विधान करते हैं, उन
अपने अंदर रहने वाले सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को जो ज्ञानी महापुरुष निरंतर देखते हैं, उन्हीं को सदा स्थित रहने वाली सनातनी परम शांति मिलती है, दूसरों को नहीं। संबंध जिज्ञासु नचिकेता इस प्रकार इस पर ब्रह्म उस ब्रह्म प्राप्ति के आनंद और शांति की महिमा सुनकर मन ही मन विचार करने लगा। उस सनातन परम आनंद और परम शांति को प्राप्त ज्ञानी महात्मा जन ऐसा मानते हैं कि पर ब्रह्म पुरुषोत्तम ही वह अलौकिक परम सर्वोपरि आनंद है, जिसका निर्देश मन वाणी से नहीं किया जा सकता। उस परमानंद स्वरूप परमेश्वर को मैं अपरोक्ष रूप से किस प्रकार जानूं? क्या वह प्रत्यक्ष प्रकट होता है या अनुभव में आता है? उसका ज्ञान किस प्रकार से होता है? संबंध नचिकेता के आंतरिक भाव को समझकर यमराज ने कहा, उस स्वयं प्रकाश परमानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमेश्वर के समीप ये सूर्य नहीं प्रकाशित होता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश प्रकट होने पर खदोत का प्रकाश लुप्त हो जाता है, वैसे ही सूर्य का तेज भी उस असीम तेज के सामने लुप्त हो जाता है। सूर्य चंद्रमा तारागण और बिजली भी वहाँ नहीं चमकते। फिर इस लौकिक अग्नि की तो बात ही क्या है, क्योंकि प्राकृत जगत में जो कुछ भी तत्व प्रकाशित है सब उस पर ब्रह्म परमेश्वर की प्रकाश शक्ति के अंश को पाकर ही प्रकाशित है। वे अपने प्रकाशक के समीप अपना प्रकाश कैसे फैला सकते हैं? सारांश यह है कि संपूर्ण जगत उस जगतात्मा पुरुषोत्तम के प्रकाश से अथवा उस प्रकाश के एक शुद्रतम अंश से प्रकाशित हो रहा है। द्वितीय वल्ली समाप्त। तृतीय वल्ली, जिसका मूलभूत परब्रह्म पुरुषोत्तम ऊपर है, यथार्थ सर्वश्रेष्ठ सबसे सूक्ष्म और सर्वशक्तिमान है, और जिनकी प्रधान शाखा ब्रह्मा तथा अन्वंतर शाखाएं देव पितर मनुष्य पशु पक्षी आदि क्रम से नीचे है, ऐसा ये ब्रह्मांड रूप पीपल वृक्ष अनादि कालीन सदा से है, कभी प्रकट रूप से और कभी अप्रकट रूप से अपने कारण रूप परब्रह्म में नित्य स्थित रहता है, अतः सनातन है। इसका जो मूल कारण है, जिससे ये उत्पन्न होता है, जिससे सुरक्षित है और जिसमें विलीन होता है, वही विशुद्ध दिव्य तत्व है, वही ब्रह्म है, उसी को अमृत कहते हैं तथा सब लोग उसी के आश्रित है, कोई भी उनका अतिक्रमण करने में समर्थ नहीं है। नचिकेता, यही है वह तत्व जिसके संबंध में तुमने पूछा था। ये जो कुछ भी इंद्रिय मन और बुद्धि के द्वारा देखने सुनने और समझने में आने वाला संपूर्ण चराचर जगत है, सब अपने परम कारण रूप जिन पर ब्रह्म पुरुषोत्तम से प्रकट हुआ है, उन्हीं प्राण स्वरूप परमेश्वर में चेष्टा करता है। यथा तो उसकी चेष्टाओं के आधार एवं नियामक भी वे परमेश्वर ही है। वे परमेश्वर परम दयालु होते हुए भी महान भयरूप है, छोटे बड़े सभी उससे भय मानते हैं। साथ ही वे उठे हुए प्रभु वज्र के समान है, जिस प्रकार हाथ में वज्र लिए हुए प्रभु को देखकर सभी सेवक यथाविधि निरंतर आज्ञा पालन में तत्पर रहते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता सदा सर्वदा नियमानुसार इन परमेश्वर के आज्ञा पालन में नियुक्त रहते हैं। इन परब्रह्म को जो जानता है वे तत्वज्ञ पुरुष अमर हो जाते हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं। सब पर शासन करने वाले और सबको नियंत्रण में रखकर नियमानुसार चलाने वाले इन परमेश्वर के भय से ही अग्नि तपता है, इंद्र के भय से सूर्य तपता है, इन्हीं के भय से सूर्य तपता है, इन्हीं के भय से इंद्र वायु और पांचवे मृत्यु देवता ये सब दौड़ दौड़ कर जल आदि बरसाना, प्राणियों को जीवन शक्ति प्रदान करना, जीवों के शरीरों का अंत करना आदि अपना अपना कार्य सावधानी पूर्वक कर रहे हैं। सारांश यह है कि इस जगत में देव समुदाय के द्वारा सारे कार्य जो नियमित रूप से संपन्न हो रहे हैं, वे इन सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर सबके शासक एवं नियंता परमेश्वर के अमोघ शासन से ही हो रहे हैं। इन सर्वशक्तिमान सबके प्रेरक और सब पर शासन करने वाले परमेश्वर को यदि कोई साधक इस दुर्लभ मनुष्य शरीर का नाश होने से पहले ही जान लेता है, अर्थात जब तक इसमें भजन स्मरण आदि
साधन करने की शक्ति बनी है, और जब तक ये मन मृत्यु के मुख में नहीं चला जाता तभी तक इसके रहते रहते ही सावधानी के साथ प्रयत्न करके परमात्मा के तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब तो उसका जीवन सफल हो जाता है। अनादि काल से जन्म मृत्यु के प्रवाह में पड़ा हुआ वह जीव उससे छुटकारा पा जाता है, नहीं तो फिर उसे अनेक कल्पों तक विभिन्न लोकों और योनियों में शरीर धारण करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। अतः वह मनुष्य को मृत्यु से पहले ही परमात्मा को जान लेना चाहिए। जैसे मल रहित दर्पण में उसके सामने आई हुई वस्तु दर्पण से विलक्षण और स्पष्ट दिखाई देती है, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुषों के विशुद्ध अंतकरण में वे परमेश्वर उससे विलक्षण एवं स्पष्ट दिखलाई देते हैं। जैसे स्वप्न में वस्तु समूह यथार्थ रूप में न दिखकर स्वप्न दृष्टा मनुष्य की वासना और विविध संस्कारों के अनुसार कहीं की वस्तु कहीं विशृंग रूप से अस्पष्ट दिखाई देती है, वैसे ही पितृलोक में परमेश्वर का स्वरूप यथावत स्पष्ट न दिखकर अस्पष्ट ही दिखता है, क्योंकि पितृलोक को प्राप्त प्राणियों की पूर्वजन्म की स्मृति और वहाँ के संबंधियों का पूर्ववत ज्ञान होने के कारण वे तदनुरूप वासना जाल में आबद्ध रहते हैं। गंधर्वलोक और पितृलोक की अपेक्षा कुछ श्रेष्ठ है, इसलिए जैसे स्वप्न की अपेक्षा जागृत अवस्था में जल के अंदर देखने वाले प्रतिबिंब कुछ का कुछ न दिखकर यथार्थ को तो दिखता है, परंतु जल की लहरों के कारण हिलता हुआ ऐसा प्रतीक होता है, स्पष्ट नहीं दिखता, वैसे ही गंधर्व लोक में भी भोग लहरियों में लहराते हुए चित्त से युक्त वहाँ के निवासियों को भगवान के सर्वथा स्पष्ट दर्शन नहीं होते, किंतु ब्रह्मलोक में वहाँ रहने वालों को छाया और धूप की तरह अपना और उन परब्रह्म परमेश्वर का ज्ञान प्रत्यक्ष और सुस्पष्ट होता है। वहाँ किसी प्रकार का ब्रह्म नहीं रहता। प्रथम अध्याय की तीसरी वल्ली में पहले मंत्र में भी बतलाया गया है कि वह मनुष्य शरीर भी एक लोक है, इसमें परब्रह्म परमेश्वर और जीवात्मा दोनों धूप और छाया की तरह हृदय रूप गुफा में रहते हैं। अतः मनुष्य को दूसरे लोकों की कामना न करके इन मनुष्य शरीर के रहते रहते ही उन परब्रह्म परमेश्वर को जान लेना चाहिए, यही इसका अभिप्राय है। शब्द स्पर्शादि विषयों के अनुभव रूप पृथक पृथक कार्य करने के लिए भिन्न भिन्न रूप में उत्पन्न हुए इंद्रियों के जो पृथक पृथक भाव है तथा जागृत अवस्था में कार्यशील हो जाना और सुषुप्ति काल में लय हो जाना रूप जो उनकी परिवर्तनशीलता है, इन पर विचार करके जब बुद्धिमान मनुष्य इस रहस्य को समझ लेता है कि ये इंद्रिय मन और बुद्धि आदि या इनका संघात रूप ये शरीर मैं नहीं हूँ, मैं इनसे सर्वथा विलक्षण नित्य चेतन हूँ, सर्वथा विशुद्ध एवं सदा एकरस हूँ, तब वह किसी प्रकार का शोक नहीं करता, सदा के लिए दुख और शोक से रहित हो जाता है। संबंध अगले दो मंत्रों में तत्व विचार करते हैं। इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि उत्तम है, बुद्धि से उसका स्वामी जीवात्मा उच्च है, क्योंकि उन सब पर इसका अधिकार है, वे सभी इनकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं और ये उनका शासक है, अतः उससे सर्वथा विलक्षण है। इस जीवात्मा से भी इसका अव्यय मतलब कारण शरीर प्रबल है, जो कि भगवान की उस प्रकृति का अंश है जिसने इसको संबंध में डाल रखा है। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जेहि बसत जिन्हि जीव निकाया। गीता में भी प्रकृति जनित तीनों गुणों के द्वारा जीवात्मा के बाधे जाने की बात कही गई है, परंतु इस प्रकृति से भी उसके स्वामी परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ है, जो निराकार रूप से सर्वत्र व्यापक है। गीता अध्याय 9:4 श्लोक। जिनको जानकर यह जीवात्मा प्रकृति के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है और अमृत स्वरूप परमानंद को पा लेता है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह इस प्रकृति के बंधन से छूटने के लिए उसके स्वामी परब्रह्म पुरुषोत्तम की शरण ग्रहण करे। गीता अध्याय 7:14 श्लोक। परमात्मा जब इस जीव पर दया करके माया के पर्दे को हटा दे लेते हैं तभी उसको उनकी प्राप्ति होती है, नहीं तो वह मूढ़ जीव सर्वदा अपने समीप रहते हुए भी उन परमेश्वर को पहचान नहीं पाता।
इन परब्रह्म परमेश्वर का दिव्य स्वरूप प्रत्यक्ष विषय के रूप में अपने सामने नहीं ठहरता। परमात्मा के दिव्य रूप को कोई भी मनुष्य प्राकृत चर्म चक्षुओं के द्वारा नहीं देख सकता। जो मन भाग्यवान साधक निरंतर प्रेम पूर्वक मन से उसका चिंतन करता रहता है, उसके हृदय में जब भगवान के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान प्रगाढ़ होता है, उस समय उस साधक का हृदय भगवान के ध्यान जनित स्वरूप में निश्चल हो जाता है। ऐसे निश्चल हृदय से ही वह साधक विशुद्ध बुद्धि रूप नेत्रों से के द्वारा परमात्मा के उस दिव्य स्वरूप की झांकी करता है। जो इन परमेश्वर को जान लेते हैं वे अमृत हो जाते हैं, यथार्थ परमानंद स्वरूप बन जाते हैं। संबंध योग धारणा के द्वारा मन और इंद्रियों को रोककर परमात्मा को प्राप्त करने का दूसरा साधन बताते हैं। योगाभ्यास करते करते जब मन के सहित पांचों इंद्रियां भलीभांति स्थिर हो जाती है और बुद्धि भी एक परमात्मा के स्वरूप में इस प्रकार स्थिर हो जाती है जैसे जिससे उसको परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु का तनिक भी ज्ञान नहीं रहता, उससे कोई भी चेष्टा नहीं बनती, उस स्थिति को योगीगण परम गति योग की सर्वोत्तम सिद्धि बताते हैं। इंद्रिया मन और बुद्धि की स्थिर धारणा का ही नाम योग है, ऐसा अनुभवी योगी महानुभाव मानते हैं, क्योंकि उस समय साधक विषय दर्शन रूप सब प्रकार के प्रमाद से सर्वथा रहित हो जाता है। परंतु यह योग उदय और अस्त होने वाला है, अतः परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा वाले साधक और निरंतर योग युक्त रहने का दृढ़ अभ्यास करते रहना चाहिए। वह परब्रह्म परमात्मा वाणी आदि इंद्रियों कर्मेंद्रियों के चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियों के और मन बुद्धि रूप अंतकरण से भी नहीं प्राप्त किया जा सकता, क्योंकि वह इन सब की पहुंच से परे है। परंतु वह है अवश्य और उसे प्राप्त करने की तीव्र इच्छा रखने वाले को वह अवश्य मिलता है। इस बात को जो नहीं कहता नहीं स्वीकारता, अर्थात इस पर जिसका दृढ़ विश्वास नहीं है उसको वह कैसे मिल सकता है। अतः पूर्व मंत्रों में बतलाई हुई रीति के अनुसार इंद्रिय मन आदि सबको योगाभ्यास के द्वारा रोककर वह अवश्य है और साधक को मिलता है। ऐसे दृढ़तम निश्चय के निरंतर उसकी प्राप्ति के लिए परम उत्कृष्टता से उस प्रयत्नशील रहना चाहिए। साधक को चाहिए कि पहले तो वह इस बात का दृढ़ निश्चय करे कि परमेश्वर अवश्य है और वे साधक को अवश्य मिलते हैं, फिर इसी विश्वास से उन्हें स्वीकार करें और उसके पश्चात तात्विक विवेचन पूर्वक निरंतर उनका ध्यान करके उन्हें प्राप्त करें। जब साधक इस निश्चित विश्वास से भगवान को स्वीकार कर लेता है कि वे अवश्य हैं और अपने हृदय में ही विराजमान है, उनकी प्राप्ति अवश्य होती है, तो परमात्मा का वह तात्विक दिव्य स्वरूप उसके विशुद्ध हृदय में अपने आप प्रकट हो जाता है, उसका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। संबंध अब निष्काम भाव की महिमा बताते हैं। मनुष्य हृदय नित्य निरंतर विभिन्न प्रकार की अहलौकिक और पारलौकिक कामनाओं से भरा रहता है। इसी कारण न तो वह कभी यह विचार ही करता है कि परमानंद स्वरूप परमेश्वर को किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, और न काम्य विषयों की आसक्ति के कारण वह परमात्मा को पाने की अभिलाषा ही करता है। ये सारी कामनाएं साधक पुरुष के हृदय में जब समूल नष्ट हो जाती है, तब वह जो सदा से मरण धर्म था अमर हो जाता है, और यही इस मनुष्य शरीर में भी इस परब्रह्म परमेश्वर का भलीभांति साक्षात अनुभव कर लेता है। संबंध संशय रहित दृढ़ निश्चय की महिमा बताते हैं। जब साधक के हृदय की अहंता ममता रूप समस्त अज्ञान ग्रंथियां भलीभांति कट जाती है, उसके सब प्रकार के संशय सर्वथा नष्ट हो जाते हैं और उपयुक्त उपदेश के अनुसार उसे यह दृढ़ निश्चय हो जाता है कि परम परमेश्वर अवश्य है और वे निश्चय ही मिलते हैं, तब वह इस शरीर में रहते हुए ही परमात्मा का साक्षात्कार करके अमर हो जाता है। बस इतना ही वेदांत का सनातन उपदेश है। संबंध अब मरने के बाद होने वाले जीवात्मा की गति का वर्णन करते हैं। हृदय में 101 प्रधान नाड़ियां हैं जो वहां से सब और फैलती हैं। उनमें से एक नाड़ी जिसको सुषुम्ना कहते हैं, हृदय में
हृदय से मस्तक की ओर गई है, भगवान के परम धाम में जाने का अधिकारी उस नाड़ी के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर सबसे ऊंचे लोक में यथार्थ भगवान के परम धाम में जाकर अमृत स्वरूप परमानंद परमेश्वर को प्राप्त हो जाता है और दूसरे जीव मरण काल में दूसरी नाड़ियों के द्वारा शरीर से बाहर निकलकर अपने अपने कर्मों और वासना के अनुसार नाना योनियों को प्राप्त होते हैं। सबके अंतर्यामी परम पुरुष परमेश्वर हृदय के अनुसार अंगुष्ट मात्र रूप वाले होकर सदैव सभी मनुष्यों के भीतर निवास करते हैं, जो तो भी मनुष्य उनकी ओर देखता तक नहीं। जो प्रमाद रहित होकर उनकी प्राप्ति के साधन में लगे हैं, उन मनुष्यों को चाहिए कि उन शरीरस्थ परमेश्वर को इस शरीर से और अपने आप से भी उसी तरह पृथक और विलक्षण समझे जैसे साधारण लोग मुंज से सिंक को पृथक देखते हैं। अर्थात जिस प्रकार मुंज में रहने वाली सिंक मुंज से विलक्षण और पृथक है, उसी प्रकार वह शरीर और आत्मा के भीतर रहने वाला परमेश्वर उन दोनों से सर्वथा विलक्षण है। वही विशुद्ध अमृत है, वही विशुद्ध अमृत है। यहाँ वह ये वाक्य की पुनरावृत्ति उपदेश की समाप्ति एवं सिद्धांत की निश्चितता को सूचित कर दी है। इस प्रकार अमराज के द्वारा उपदिष्ट समस्त विवेचन को श्रद्धापूर्वक सुनने के पश्चात नचिकेता उनके द्वारा बताई हुई संपूर्ण विद्या और योग की विधि को प्राप्त करके जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो सब प्रकार के विकारों से रहित एवं सर्वथा विशुद्ध होकर परम परमेश्वर को प्राप्त हो गया। दूसरा भी जो कोई इस अध्याय अध्यात्म विद्या को इस प्रकार नचिकेता की भांति ठीक ठीक जान लेता है और श्रद्धापूर्वक उसे धारण कर लेता है, वही वह भी नचिकेता की भांति सब प्रकार विकारों से रहित तथा जन्म मृत्यु से मुक्त होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तृतीय वल्ली समाप्त, द्वितीय अध्याय समाप्त, कृष्ण यजुर्वेदीय कठोपनिषद समाप्त, शांति पाठ, ओम सहना ववस्तु सहनो भुनक्तु सह वीर्य करवा वह तेजस्वीनावधितमस्तु मा विद्वत्सा वह ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ इस उपनिषद में आरंभ में दिया जा चुका है।